नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपा सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत सारी अलग अलग नहीं सिर्फ दो बिल्कुल आसान एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, आप मुझे देखते होंगे सो आपको पता ही होगा मैं हमेशा बिल्कुल आसान एक्सरसाइजेस ही बताती हूँ जिससे कि हर कोई कर पाए उन एक्सरसाइज को। सो ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल आसान है आपके बेली फैट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपका बेली फैट बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी नहीं गया है, आप इन दो एक्सरसाइज को सिर्फ एक सप्ताह भी अगर अच्छे से फॉलो करते हैं सो इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका बेली फैट सिर्फ एक सप्ताह के अंदर ही कम से कम 70% रिड्यूस हो जाएगा। सो बस आपको कोशिश करना है कि कम से कम आप एक सप्ताह तो इन एक्सरसाइज को करो ही, क्योंकि एक दिन में दो दिन में हमारा बेली फैट रिड्यूस नहीं होता है। एक दिन में दो दिन में तो किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम बिल्कुल नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं पॉइंट पर और बताते हैं एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, देखने के बाद यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है, पसंद आए सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए। चलिए देखते हैं हम बिल्कुल आसान और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसके लिए हम आराम से सीधा लेट जाते हैं। आप आराम से इस तरीके से लेट जाइए, आप अपने बेड पे या मैट पे कहीं भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आराम से लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को गर्दन पे लगा लीजिए। ध्यान रखें, आपको इस एक्सरसाइज को ब्रीदिंग के साथ ही करना है। सांस को खींचेंगे और आराम से करना है, बिल्कुल आराम आराम से। जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना है, जितना धीरे करोगे उतना ज़्यादा ये एक्सरसाइज आपको रिजल्ट देगी। सो ध्यान रखें, सांस को खींचें। फ्रेंड्स, आपके पैर यहाँ तक नहीं आ पाएंगे अगर आपका पेट ज़्यादा है सो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना कर सकते हैं बस उतना ही करें, ठीक है। शुरुआत में आप ठीक से नहीं कर पाओगे, आराम से कर लोगे सांस को छोड़ते हुए। बस आपके पैर जमीन में टच नहीं होना चाहिए, आपको यहां तक रखना है। दोबारा करेंगे सांस को खींचते हुए, एक सेकंड होल्ड करें, सीधा आ जाइए, फिर सांस को खींचेंगे। देखिए थोड़ा सा रुके, सांस को छोड़ दीजिए बिल्कुल आराम से। जितना स्लो आप इस एक्सरसाइज को करेंगे उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जितना देर आप सांस को होल्ड कर सकते हैं उतना देर रुक लीजिए, ये आपके कंफर्टेबल के हिसाब से है। सांस को छोड़े, गहराई से सांस को छोड़ना है, ठीक है। देखिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल करने में आसान है। आपको बस अपने पैरों को नीचे नहीं ले जाना है, अगर आपको थकान हो रही है तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, फिर उसके बाद पैरों को ऊपर लाइए। एक्सरसाइज करते समय आपके पैर ऊपर होना चाहिए। देखिए ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेचिंग करेगी, आपके बैली फैट को कम करके आपका जो पेट है जो लूज हो गया है लटक गया है ये उसको टाइट कर देगी, अंदर ले जाएगी और शेप में भी ले आएगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सरसाइज है, एक बार और देखें। आराम से आइए, आपको इस एक्सरसाइज को कम से कम 30 बार जरूर करना है। शुरुआत में आप इसको कम कर सकते हैं पहले दिन, दूसरे दिन आप इसका थोड़ा टाइमिंग बढ़ाइए। और फ्रेंड्स, ये मत सोचना कि ये एक्सरसाइज हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ देते हैं। आप जब भी कोई एक्सरसाइज करोगे सो पहले दिन तो ठीक से नहीं कर पाओगे, ऊपर से अगर आपका पेट ज़्यादा है सो हमसे तो वैसे ही ठीक से एक्सरसाइज नहीं होती है। सो जैसे जैसे आपका पेट कम होता जाएगा वैसे वैसे आप अपनी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करते जाओगे। फिर उसके बाद जैसे पहले दिन आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिला, दूसरा दिन आपको ज़्यादा मिलेगा, तीसरा दिन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप ठीक से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे। सेकेंड एक्सरसाइज हम देखते हैं, उसको हम खड़े होकर देखेंगे, ठीक है।
इस एक्सरसाइज के लिए आप आराम से खड़े हो जाइए। अब आपको अपनी सांस को खींचना है, बिल्कुल आसान है। देखिए, सांस को खींचेंगे और पैर को ऊपर लाएंगे, पैर को पकड़ा, सांस को छोड़ते हुए पैर को पीछे ले जाना है, बिल्कुल आसान है। देखिए, सांस को खींचेंगे, पैर को लाएंगे, सांस को छोड़ देंगे। जब आप अपने पैर को पीछे ले जाते हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेचिंग करती है, जिससे कि आपका जो बैली है वो शेप में आता है और टाइट भी होता है। और जब आप इस तरीके से लाते हैं तो आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाएगा, और जब आप सांस को छोड़ते हुए पीछे जाएंगे तो स्ट्रेचिंग होगी, आपका फैट रिड्यूस होगा और आपका पेट भी शेप में आएगा। सो इसको करेंगे आराम से, देखिए एक बार अच्छे से, थोड़ा देर रुकेंगे, सांस को छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, मान लो आप पैर को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप दीवार पे इसके लिए सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से सो ये आपके कंफर्टेबल के हिसाब से है, करने में ये बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से हम दूसरे पैर से भी करेंगे, देखिए आराम से, इसमें आपको ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सारा का सारा खेल आपका इसमें ब्रीदिंग का ही है। सो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। देखिए, सो जब आप अपने पैर को इस तरीके से लाते हैं सांस को खींचते हुए, सो कोशिश करें थोड़ी देर आप इस पोजीशन में होल्ड करने की। देखिए कैसे इस तरीके से, अब आपको थोड़ा देर, जितना देर आप सांस को रोक सकते हैं या अपने पैर को रोक सकते हैं, यानी कि आप कंफर्टेबल हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, ये आपके ऊपर डिपेंड है। थोड़ा देर रुकिए, सांस को लेते हुए पीछे छोड़ दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को आपको 20 बार एक पैर से और 20 बार दूसरे पैर से, और इसके आपको 3 सेट जरूर लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो थोड़ा सा यूजफुल जरूर लगा होगा, पसंद आया है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो। फ्रेंड्स, अपने आप को हमेशा फिट रखें।